नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। लौटने लगी चांदनी चौक की रौनक पर लोगों की परेशानी कम। नवंबर तक पुनर्विकास योजना का काम पूरा होने की उम्मीद। चांदनी चौक में लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक 1300 मीटर की सड़क के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम नवंबर तक पूरा होगा। दिल्ली में चांदनी चौक ऐतिहासिक जगह है, इसके पुराने स्वरूप को वापस लाया जा रहा है। इसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नॉन मोटराइज्ड व्हीकल एरिया है। यहाँ पर्यटक भी आ रहे हैं, लोगों को कभी परेशानी भी आ रही है। उम्मीद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में योजना का काम पूरा हो जाएगा। इसका काम मई में पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से देरी हुई। चांदनी चौक के पुनर्विकास के काम का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया था। इस योजना को शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसके तहत चांदनी चौक में लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक की 1300 मीटर की सड़क का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इस योजना की 2 बार समय सीमा बढ़ाई गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 76 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर अब 90 करोड़ रुपए हो गई। लाल किले से जोड़ने के लिए पूरी 1300 मीटर की सड़क को लाल रंग दिया गया है। सड़क के बीच छोटे पिलर भी लाल पत्थर के लगाए गए हैं। यहाँ पर आम लोगों के बैठने के लिए भी पत्थर का ही फर्नीचर लगाया गया है। सड़क के बीच हरियाली के लिए पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर बिजली के तार को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। पानी की पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। पानी की निकासी के लिए बेहतर सीवर सिस्टम बनाया गया है। वहीं यहाँ पर सड़के के बराबर ही फुटपाथ की लंबाई रखी गई है। फुटपाथ पर लाल ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है। जनता का हाल जाना हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस ने। ये सुंदरीकरण के बाद चांदनी चौक का ये वो मंदिर है जो जिसे गौरी शंकर मंदिर कहते हैं, और यही सामने जो दिख रहा है गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब। और इसके अपोजिट जो देख रहे हैं आप, यही लाल किले का तो हिस्सा और वो द्वार है जहां पर हम लोग खड़े होते हैं, और प्रधानमंत्री यहां पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में झंडा फहराते हैं। ये देखिए पैडल रिक्शा वाले भाई साहब, ये बताइए कि सवारी पहले सहूलियत से मिलती थी, गाड़ी सहूलियत से चलती थी, आप चलती हैं? अब बहुत आराम है, अब बहुत सहूलियत है। पहले जो कारें उड़े चलती थी बहुत दिक्कत होता था। सर जी, अब आराम हुआ है या पहले से काफ़ी आराम हुआ है? जब से सुंदरीकरण नवीकरण हुआ है, अब बेहतर है या पहले बेहतर था? तो काम चल ही रहा है, अभी तो आधा ही हुआ है यार। मेन तो गाड़ी की एंट्री बंद है, तो सबसे प्रॉब्लम तो वह है ना, गाड़ी बंद है। हाँ, गाड़ी छोड़नी पड़ती है यहाँ पे, है ना, गाड़ी की एंट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ अंदर, एंट्री कौन कौन सी गाड़ियों की बंद है? सारी गाड़ियों के बंद है, रिक्शा के अलावा। रिक्शा के अलावा इतना पार्किंग है ना, गाड़ी खड़ी करने की जगह चाय चौक में। उम्मीद आशा है कि पहले से बिजनेस बढ़ेगा, जब व्यापारी आएंगे इस बार सुंदरीकरण के बाद तो व्यापार बढ़ेगा। कहना मुश्किल है सर, व्यापार बढ़ेगा या भीड़ बढ़ेगी, ये कहना मुश्किल होता है। अभी कुछ कहना बता नहीं सकते, भीड़ बढ़ेगी ना, व्यापार कैसे बढ़ेगा। ये देखिए ये गुरुद्वारा ये भाई साहब, ये कौन सा गुरुद्वारा है? शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज साहब। यहाँ से लाल किले से जब हम खड़े हैं तो शीशगंज गुरुद्वारा साहब बिल्कुल नज़दीक ही हैं। अब ये देखना है, ये गौरी शंकर मंदिर हैं, और ये वो इलाका है सुंदरीकरण के बाद यहाँ पर किसी तरीके के वाहन का आना मना है, और इलेक्ट्रिक वाहन अभी सिर्फ पैडल रिक्शा चल रहा है, बाकी कोई रिक्शा नहीं चल रहा। आने वालों की, घूमने वालों को बहुत ही सुकून है। भाई साहब, जो सामान आपको मिल रहा है, जो ट्रैफिक था, हाँ। तो पहले से आप आराम है या पहले जो है ना, पहले उसका आराम था, ट्रैफिक था? नहीं नहीं ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नहीं, यहाँ तो बैटरी रिक्शा नहीं है, अभी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है, अभी तो पैदल चलने वालों को तो आराम है। आराम है बहने, बस ये शिकायत है लोगों की कि पैडल रिक्शे से
कुछ जो दूरी भार है वो तय नहीं है, इस पर लोगों की राय अभी आपके सामने आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर पहले ज्यादा क्राउड नहीं होता था, गाड़ी होती थी जी, अभी जी। बेहतर है या पहले बेहतर था? अभी बेहतर है। क्या लेने आए थे आप? तो बिजली का सामान लेने के लिए आया था। मार्केट है जी जी जी, तो बहुत आसानी से सामान यहाँ पर अभी मिल रहा है और रास्ता भी साफ है। चित्रीकरण के बाद जो यहाँ पर जो चांदनी चौक का ये रास्ता बना है, सुंदर हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है जी जी जी। बेटे यहाँ क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोहेल। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम यहाँ पे पेटरी लगाते हैं लाल किले के सामने, जैन मंदिर के सामने, समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसे है तो कोरोना के चक्कर में पब्लिक नहीं आ रहा, डर रहा पब्लिक, इस चक्कर में यहाँ पे पेट्री नहीं लगने दे रहा, बैटरी के चक्कर में काम नहीं हो रहा, पब्लिक भूखा मर रहा, क्या करेगा बताओ? काम नहीं हो रहा, सुबह तक लेकर ढोल दे अभी तक वो नहीं हो रहा। पैडल रिक्शे से लोग जो है ना सवारी से, बस दूरी भार है फतेहपुरी से, यहाँ से लाल किले से फतेहपुरी तक की, यहाँ से फतेहपुरी तक आप क्या लेते हैं, क्या किराया लेते हैं? हम दो सवारी हैं। लाल किले से वहाँ तक कितनी देर में आप पहुँचा देंगे? दिल्ली घूमने आए हैं, कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात बड़ौदा। गुजरात बड़ौदा से। तो आप पहले से सुंदरीकरण होने के बाद अच्छा लग रहा है अभी? हाँ, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। हाँ, बेहतर है। भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है व्हीकल वगैरह बंद कर रखी है, पैडल रिक्शे के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, चलिए वहाँ जाके यार बताएंगे कि यहाँ बहुत अच्छा है, और अभी जो है ना चांदनी चौक का सुंदरीकरण होने के बाद आपका बहुत अच्छी तरीके से घूम पाए हैं। देखिए सुंदरीकरण होने के बाद पूरा रास्ता भी जो है ना कहाँ से कहाँ तक, और ये लोग आते हुए दिख रहे हैं आपको, ये वो रास्ता है, ये मंदिर है शंकर का, और ये सामने जो प्राचीन गौरी शंकर का मंदिर है वो है, यही रास्ता फतेहपुरी तक जाता है।